कोरोना वायरस से परेशान हो चुके लोगों के लिए एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने एक खुशखबरी दी है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक सकारात्मक दी है। एम्स निदेशक ने कहा कि अगर सभी चीजें सही तरीके से चलती है तो 2021 की शुरुआत में भारत के बाजारों में कोरोना वैक्सीन की दवा उपलब्ध हो जाएगी। पर इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि दवा बाजार में आ तो जाएगी, पर शुरुआती दौर में जितनी दवा बाजार में आएगी वह देश की जनसंख्या के हिसाब से पर्याप्त नहीं होगी। इंडिया टुडे हेल्थ गिरी अवार्ड्स 2020 कार्यक्रम में बोलते हुए एम्स निदेशक ने कहा कि इस बात की गारंटी देना कि कोरोना वायरस की दवा कब आएगी यह बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का विकास कई चीजों पर निर्भर करता है। पर अगर हम सफल रहे और सभी चीजें जल्दी तरीके से काम करती रही तो देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन की दवा उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह भी कहा कि वैक्सीन विकसित हो जाने के बाद किस तरीके से बाजार में उतारा जाएगा यह भी एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि पहले भी कई संस्थाएं यह कह चुकी है कि दवा का वितरण प्राथमिकता के आधार पर होगा। सबसे पहले दवा उन्हें दी जाएगी जिन्हें संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। वहीं कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का टीका विकसित करने के लिए काम कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 के लिए प्रभावी टीका आम लोगों को 2021 में पतझड़ के मौसम से पहले उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।